Assalamu alaikum. My name is Mohammed Sarif Khattab. I am Deputy Director, Age Contractors. 091 Mall पेशावर में अपनी तर्ज का ये एक अलग से पहला एक मॉल होगा, जिसमें हमारे एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 120 फुट पर है। इसके अलावा इसमें हमारे साथ तीन बेसमेंट पार्किंग है, जो कि KPK में मेरे ख्याल से किसी और मॉल में ये सहूलत मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमारा जो फसाड है इसका, वो हमारे ग्लास फसाड है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 091 मॉल हमारा KPK का एक मुनफरिद और एक अलग से एक मॉल होगा इंशाल्लाह। थ्री बेसमेंट पार्किंग है, फिर इसमें हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है और फायर हाइड्रेंट्स भी हम दे रहे हैं, जो कि पेशावर में मेरे ख्याल से किसी मॉल ने नहीं दी। एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं, फूड कोर्ट है, एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स हैं, तो हमने इसमें सोलर सिस्टम भी दिया हुआ है। इसके अलावा 24 आवर्स पावर बैकअप है हमारा, 24 आवर्स सिक्योरिटी है, कैमराज हैं, हर लिहाज से सिक्योर मॉल है। देखिए, हमारा जो पेशावर है वो जिस रीजन में पड़ रहा है उधर टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें फिर ACs भी काम नहीं करते। चूँकि हमारा मेन फोकस ये था कि हम ऐसा कोई आइडिया ढूँढें कि जिससे हमारा जो गर्मी की शिद्दत है वो अंदर कम हो और AC ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है कि शीशे क्यों, क्योंकि शीशे में हीट एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने ये एक स्पेशलाइज किस्म का हमने ग्लास लगाया हुआ है, डबल ग्लेज, और हमने इंपोर्ट किया हुआ है बाहर से, और इसकी जो इंजीनियरिंग टर्म्स में कहते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी, वो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और जो इसका हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। तो इसलिए हमने इसको तरजीह दी है कि हम ये वाले ग्लास फसाड यूज़ करें। इसमें वेंटिलेशन के लिए जो हमने बेसमेंट्स में दोनों साइड पे हमने 6000 KFM के हमने दो एग्जॉस्ट फैंस लगाए हुए हैं, एक इनलेट होगा एक आउटलेट पे जाएगा, मॉल है ऊपर, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी है, और इसके अलावा हम उसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी दे रहे हैं।